हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बीन्स आलू फ्राई। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बीन्स आलू फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बीन्स, 3 कटे हुए आलू मीडियम साइज़ के, कुछ मसाले जैसे कि ज़ीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च एंड गरम मसाला, प्याज 1, अदरक और हरी मिर्च। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा को थोड़ा क्रैकल होने देंगे। दो मिनट तक हम ज़ीरा को भूनेंगे। फिर हम इसके बाद इसमें कटी हुई अदरक और हरी मिर्च को ऐड करेंगे। इन्हें हम 2 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनेंगे। और फिर अब हम इसके बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे। हमने प्याज ऐड कर दी है। अब हम प्याज को 2 मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें अपने कटे हुए आलू ऐड करेंगे। अब आलू को भी फ्राई करेंगे। आलू को थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे और नमक ऐड करके आलूओं को भूनेंगे। इस तरह से आलू जल्दी पकती हैं। इसके बाद हम इसमें बीन्स ऐड करेंगे। देखिए, आलू थोड़ी भून चुकी है। अभी हम इसके बाद इसमें बीन्स ऐड करेंगे। अब हमने इसमें कटी हुई बीन्स ऐड कर दी है। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए भूनेंगे। हमें सब्जियों को मीडियम आंच पर ही भूनना है। सब्जियां भून गई हैं। अब हम इन्हें ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। हमने कवर कर दिया है। अब हम इन्हें 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें चेक करते हैं। देखिए, सब्जी की रंगत बदल रही है। अब हम इन्हें थोड़ा भूनेंगे। इसके बाद सारे मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें सारे अपने मसाले ऐड कर देंगे और मसालों को डालकर अच्छे से भूनेंगे सब्जियों को। मसाले सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इन्हें कवर करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। हटाकर हम 5 मिनट के लिए और भूनेंगे सब्जी को। इसके बाद हम एक आलू को काट कर चेक करेंगे। देखिए, हमारे आलू 80% तक कुक हो चुके हैं। अभी भी थोड़ी कसर बाकी है, तो अब हम इन्हें फिर से ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर सब्जी को चेक कर लेंगे। देखिए, सब्जी पक गई है। अब हम एक आलू को काट कर चेक कर लेंगे। देखिए, आलू भी पक चुकी है। अब हम सब्जी को ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिर उसके बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे। आलू बीन्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी इन्हें घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।